भारत के दुश्मनों में मची खलबली। एक्टिव हुआ भारतीय सेना का मिशन चीता। चीन और पाक को अब महंगा पड़ेगा उलझना। आ रहा है भारत का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट चीता। दोस्तों, पिछले काफी समय से चीन में काफी उथल पुथल मची हुई है और चीन की जनता वहां की जिनपिंग सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। दोस्तों, चीनी सरकार खुद की जनता के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर की देशों की नजरों में भी आ गई है और इसी के चलते जिनपिंग भारत के साथ LAC पर तनाव को हवा देने के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि इससे एक तरफ तो वहां के लोगों का उनके खिलाफ जा रहा ध्यान डाइवर्ट होगा और दूसरा भारत के इलाकों पर वो कब्जा करने में भी सफल हो जाएगा। लेकिन चीन को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि भारत उसके नौसिखिए सैनिकों और उनके हथियारों को चटनी बनाने के लिए एक ऐसे मिशन को लॉन्च कर चुका है जो चीन में तबाही ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, और भारत के इस प्रोजेक्ट में जो देश भारत की मदद कर रहा है वो है भारत का दोस्त इजराइल। दोस्तों, इस मिशन का नाम है प्रोजेक्ट चीता और चीन और पाकिस्तान की खाट खड़ी करने के लिए भारत ने इसे एक्टिव कर दिया है। दोस्तों, ये मिशन चीन की चटनी बनाने के लिए तो काफी है ही, उसके चमचे पाकिस्तान को भी बर्बाद कर डालने की औकात रखता है। क्या है ये मिशन चीता और मोदी ने कैसे और कब इसे लॉन्च कर दिया है, आपको वीडियो में आगे ये बताएंगे ही। लेकिन इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे इजरायली हथियार। भारत और इजरायल के बीच हुआ सबसे अहम सौदा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भारत और इजरायल के बीच किस चीज को लेकर तकनीक ट्रांसफर करने की डील हुई है और भारत को इससे कैसे फायदा होने वाला है और ये चीन और पाकिस्तान पर किस तरह से भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी युद्ध में ड्रोन कितना अहम रोल अदा करते हैं, बात चाहे अर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध की हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध की। दोनों ही युद्धों में ड्रोन्स की अहम भूमिका रही है। तुर्की द्वारा यूक्रेन को दिया गया ड्रोन बैरातर TB2 ने तो रूस के अधिकतर सेना और टैंक्स को तबाह कर दिया है। उधर अजरबैजान ने 3T यानी टेक्नोलॉजी और तुर्की के बैरातर TB2 के साथ विवादित इलाके नारगेनो काराबाख पर कब्जा कर लिया। वो ड्रोन ही था जिसने अर्मेनिया के 185 टैंक, 44 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, 147 टो आर्टिलरी गन, 19 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 72 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और 12 रेडार को तबाह कर दिया। आपको बता दें कि ये ड्रोन तापमान इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए टारगेट का पता लगा लेते हैं। बैराक्टर और अंका S ड्रोन 4 मिसाइल 15 से 55 किलो के बॉम्ब ले जा सकते हैं, लेजर गाइडेड मिसाइल दाग सकते हैं। इन ड्रोन्स की ताकत क्या है ये इस बात से समझ लीजिए कि सीरिया में तुर्की ने रूस के S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इन्हीं ड्रोन्स के बूते तबाह कर दिए थे। दोस्तों, अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मोदी ने चीन को घेरने के लिए किस रणनीति पर कदम बढ़ा दिया है। भारत और इसराइल ने मिलकर चीन को घेरने के लिए एक खतरनाक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी प्लान के तहत इसराइल ने भारत को पिछले दिनों इजरायली हेरॉन ड्रोन्स दिए हैं। इतना ही नहीं, इन ड्रोन को सेना ने तिब्बत से सटी और चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात भी कर दिया है। यानी भारत ने चीन के खिलाफ अपना प्रोजेक्ट चीता एक्टिव कर दिया है। इजरायल का ये हेरॉन ड्रोन इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये अमेरिका के MQ-9B ड्रोन से कहीं ज्यादा बेहतर बताया जा रहा है। MQ-9B वही ड्रोन है जिसका प्रयोग अमेरिका ने जुलाई में अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को मारने के लिए किया था। भारत ने अमेरिका के साथ इन ड्रोन्स के लिए $3 अरब यानी 22,000 करोड़ की डील की है। इस डील के साथ भारत 30 ड्रोन खरीदने वाला है। यहां बात करेंगे हेरॉन ड्रोन और प्रोजेक्ट चीता की। तो दोस्तों, असल में इसराइल के ये हेरॉन ड्रोन प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत के दुश्मनों को जलाकर राख करने का काम करने वाले हैं और इसी का नाम है प्रोजेक्ट चीता। भारतीय वायुसेना ने इस प्रोजेक्ट का नाम चीता रखा है और इसराइल के इस ब्रह्मास्त्र से तीनों सेनाओं को तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रक्षा कंपनियां इन इजरायली ड्रोन्स को स्ट्राइक यानी हमले के लिए तैयार करेंगी। इन ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस करेंगी, सर्विलांस यंत्रों और क्षमताओं से ताकतवर बनाएंगी। भारतीय वायुसेना इजरायली ड्रोन्स को तीनों सेनाओं के लिए तैयार कराएंगी, यानी जल, जमीन और आसमान
तीनों जगहों पर हेरॉन भारत की रक्षा और निगरानी में तैनात होगा। भारतीय सेना में मौजूद सभी ड्रोन्स की तुलना में इनकी ताकत, क्षमता, रफ्तार सब कुछ बेहद ज्यादा है। अब इनकी खासियतें क्या है ये जान लीजिए। कितने घातक हैं प्रोजेक्ट चीता के हेरॉन ड्रोन्स? भारत के ये हेरॉन ड्रोन जमीन से 35,000 फीट यानी 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आराम से उड़ान भरते हैं। एक बार में हेरॉन ड्रोन 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसे नियंत्रित करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन बनाया जाता है जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। ये ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगे हैं जैसे थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा जो रात में या अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। इसके अलावा विजिबल लाइट एयरबोर्न ग्राउंड सर्विलांस जो दिन की रोशनी में तस्वीर लेता है और साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम समेत कई तरह के रेडार सिस्टम लगे हैं। सबसे खास बात यह है कि इन ड्रोन्स को किसी तरह से भी जैम नहीं किया जा सकता यानी इनमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है जो पहले के ड्रोन्स की तुलना में ज्यादा दमदार है। ये 250 किलोग्राम वजन तक ले जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि हेरॉन ड्रोन की एक और खासियत है कि ये आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक को दे देता है यानी सीमा के पास से ड्रोन से मिले सटीक टारगेट पर हमला किया जा सकता है। हेरॉन ड्रोन की ये सारी खूबियां निगरानी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अब इसे लेजर गाइडेड बम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस कर अटैक के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों भारत अमेरिका से 30 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी HALE सशस्त्र ड्रोन खरीदना चाहता है यानी जल थल और वायुसेना के लिए 10-10 ड्रोन। मोदी सरकार ने इसकी कुल लागत $3 बिलियन को भी चुकाने का फैसला कर लिया है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल एटॉमिक्स के CEO विवेक लाल से मुलाकात की जिनकी कंपनी सशस्त्र लड़ाकू ड्रोन बनाती है। सूत्र बताते हैं कि सौदे पर मुहर लगने से पहले अमेरिका के साथ तकनीक हस्तांतरण के पहलू पर और चर्चा होगी। इस बीच नौसेना पहले ही हिंद महासागर में निगरानी के लिए जनरल एटॉमिक्स से 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन लीज पर ले चुकी है। आपको बता दें कि दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भारतीय सेना लगातार अपने ड्रोन जखीरे को बढ़ा रही है। इन ड्रोन्स में सर्विलांस और नेविगेशन ड्रोन्स के साथ ही काउंटर ड्रोन सिस्टम यानी वो ड्रोन्स भी शामिल हैं जो जरूरत पड़ने पर दुश्मनों पर मौत बनकर टूटने का मादा रखते हैं। मोदी इसके लिए स्वदेशी कंपनियों को खासा तरजीह दे रहे हैं। दो भारतीय फर्म्स रैपे एम फ्रेम और न्यू स्पेस टेक्नोलॉजीज से भारत 200 ड्रोन सहित कई बेहद छोटे और मिनी UAV स्वदेशी रूप से खरीदे जा रहे हैं। इनके साथ ही सेनाओं को ऐसे ड्रोन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में 10 किलोमीटर के दायरे में 20 किलोग्राम वजन तक का सामान भी ढोकर ले जाएंगे। कुल मिलाकर मोदी ने सेनाओं को इमरजेंसी फंड से 500 से ज्यादा ड्रोन्स खरीदने को हरी झंडी दे दी है ताकि LAC के आसपास बढ़ती चीन की चालबाजियों को ठिकाने लगाया जा सके। अब भारत के जंगी बेड़े में ये ड्रोन्स शामिल हो जाएंगे तो दुश्मन को हराने के लिए किसी भी भारतीय सोल्जर को जंग के मैदान में नहीं उतरना पड़ेगा। टीम मोदी दिल्ली में ही बैठे बैठे हिंदू कुश की पहाड़ियों या फिर पूर्वी लद्दाख के दुर्गम इलाकों में घुसपैठ करने वाले दुश्मनों को सिर्फ एक बटन भर दबाकर जहन्नुम पहुंचा सकेगी। दोस्तों भारत द्वारा अपनी सेना में ड्रोन्स को भर्ती करके जंगी बेड़े को और मजबूत करने के इस कदम के बारे में आप क्या सोचते हैं? देश की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान और क्या क्या कदम उठा सकता है? आप सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी बात हमारे जरिए सरकार तक पहुंचाना हरगिज मत भूलिए।